आदर अभिनंदन आभार नमस्कार आदाब सत श्री अकाल हेलो एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द लेडीज एंड जेंटलमैन आई एम दीपक धर्रा योर इंग्लिश ट्रेनर एंड आई एम बैक विद अ न्यू टॉपिक टुडेज टॉपिक इज वेरी बेनिफिशियल फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 11th एंड 12th क्लास आज हम करेंगे स्पीच कैसे लिखी जाती है यानी स्पीच राइटिंग जो स्पीच राइटिंग है वो 11th और 12th क्लास वाले जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जैसे कि आपको पता है कि जो बोर्ड के एग्जाम्स आपके वो बिल्कुल नियर हैं तो CBSE बोर्ड पैटर्न के अनुसार जो स्पीच लिखी जाती है वो मैं आपके सामने लिख के आया हूँ और कोशिश करेंगे हम कि इस तरीके से लिखें कि कुछ पार्ट्स आपके हर स्पीच में काम आएंगे यानी आप किसी अन्य टॉपिक के ऊपर भी लिखते हो तो आपकी जो स्पीच है इसी पैटर्न के जरिए अगर आप लिखते हो तो वो बाकियों में भी काम आएगी सो लेट्स गेट स्टार्टेड बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो बिकॉज विदाउट हिटिंग बेल आइकन यू विल नॉट गेट नोटिफिकेशन ऑफ आर अपकमिंग अपलोड्स देखो स्पीच का मीनिंग क्या होता है स्पीच का मीनिंग होता है किसी टॉपिक के ऊपर बोलना स्कूल में भी आपने देखा होगा जब हम प्रेयर के टाइम बैठे होते थे तो हमारे टीचर्स किस तरह किसी टॉपिक के ऊपर बोलते थे कभी पोल्यूशन के बारे में हमें बताते थे या कोई और टॉपिक होता था कि भी ऐसा करना चाहिए ठीक है तो बहुत सारे टॉपिक्स बिजली कैसे बचाएं यानी किसी भी पर्टिकुलर एक टॉपिक यानी पॉपुलेशन है जनसंख्या ले सकते हैं कि भाई पॉपुलेशन कैसे फायदेमंद होती है नुकसान होती है जनसंख्या को कैसे रोकना चाहिए तो ऐसे अलग अलग टॉपिक पे हमारी प्रेयर के टाइम पे हमारे टीचर्स हमें स्पीच दिया करते थे कभी आपने 15 अगस्त पे स्पीच देखी होगी ठीक है कभी आपने रिपब्लिक डे हो गया हमारा इंडिपेंडेंस डे हो गया इन सभी के ऊपर भी आपने स्पीचेस देखी होंगी तो वही स्पीच होती है हमारी आज हम स्पीच का जो पैटर्न है कि किस तरीके से स्पीच लिखी जाती है और कैसे आप 10 में से 10 नंबर पूरे पाएं वो मैं आज आपको बताने वाला हूँ स्पीच राइटिंग की देखो शुरुआत करने से पहले हमारा आज का जो टॉपिक है स्पीच का वो है हजार्स ऑफ मोबाइल फोन्स हजार्स का मतलब क्या होता है दुष्प्रभाव यानी बुरे प्रभाव जो मोबाइल फोन्स हैं उसके बुरे प्रभाव आज हमारी सोसाइटी पे हमारे ऊपर क्या पड़ते जा रहे हैं उसके ऊपर हम स्पीच दे रहे हैं स्पीच में जब हम लिखना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हमें क्या करना है हमें सबको ना संबोधित करना होता है संबोधित मतलब क्या होता है हम बताते हैं सबको एक रिस्पेक्ट देते हैं नमस्ते करते हैं जब हम स्टेज पे जाते हैं तो डायरेक्ट हम अपना टॉपिक बोलना शुरू नहीं करते पहले हम सबको गुड मॉर्निंग विश करते हैं राइट तो सबसे पहले हमें क्या बोलना पड़ेगा रिवरेंट प्रिंसिपल टीचर्स एंड माई डियर फ्रेंड्स जरूरी नहीं कि बिल्कुल सेम मेरे वाला ही बोलो आप और भी तरीके से बोल सकते हो रिवरेंट की जगह आप रिवियर्ड भी कह सकते हो रिवियर्ड भी मतलब क्या होता है सम्मानित या हम इज्जतदार जो हम इज्जत देते हैं किसी को ठीक है रिवरेंट भी कह सकते हो रिवियर्ड कह सकते हो ऑनरेबल कह सकते हो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं तो रिवरेंट प्रिंसिपल टीचर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग टू ऑल यहाँ पे ना बीच में एक लाइन छोड़ देना यहाँ पर लाइन छोड़ने के बाद आपको नेक्स्ट लाइन में बिल्कुल उसके जस्ट नीचे लेफ्ट साइड से ही लिखना स्टार्ट करना है गुड मॉर्निंग टू ऑल यानी हम सबको क्या कर रहे हैं गुड मॉर्निंग विश कर रहे हैं फिर थोड़ा अपना इंट्रोडक्शन देना होता है स्पीच के अंदर राइट कि आप कौन हो कौन सी क्लास से बिलोंग करते हो और आप किस टॉपिक के ऊपर बोलने वाले हो सो फर्स्ट पैराग्राफ होगा हमारा इंट्रोडक्शन का ही आई एम दीपक धर्रा यानी मैं कौन हूँ दीपक धर्रा हूँ ऑफ क्लास 12A जो कक्षा 12वीं है उसका मैं छात्र हूँ 12A का 12A का तो इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी प्रिविलेज का मतलब क्या होता है जो हम सम्मान की बात करते हैं ना कि मेरे लिए एक सम्मान का मैटर है इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू डिलीवर अ स्पीच ऑन टॉपिक यानी मुझे ये मौका मिला है डिलीवर करने का एक स्पीच आप सभी के सामने स्पीच देने का मुझे मौका मिला मेरे लिए क्या है एक सम्मान की बात है ऑन टॉपिक अब आपको यहाँ पर क्या करना है हमेशा टॉपिक लिख देना है बाकी लाइन सेम रखनी है उसके बाद हमें क्या करना है टॉपिक लिख देना टॉपिक जो भी हमें दिया गया हो उसी टॉपिक को हम डाल देंगे अगर मान लो यहाँ पर हमारा होता पोल्यूशन तो मैं क्या बोलता हेलो गाइस आई एम दीपक धर्रा एंड इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू गिव अ स्पीच ऑन टॉपिक पोल्यूशन राइट इसके अलावा हमारा इंडिपेंडेंस डे होता तो मैं कैसे बोलता इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू गिव अ स्पीच ऑन टॉपिक इंडिपेंडेंस डे राइट तो ऐसे आपको यहां पर क्या करना है बस टॉपिक को चेंज कर देना है क्लियर है उसके बाद देखो टॉपिक की अकॉर्डिंग आप यहां पर एक लाइन लिख सकते हो टॉपिक अगर अच्छा है तो हम लिखेंगे बून बून मतलब क्या होता है वरदान ठीक है और टॉपिक की हम नेगेटिव बातें बताना चाह रहे हैं गलत बातें बताना चाह रहे हैं हम कहना चाह रहे हैं कि वो चीज बेकार है हमारे लिए तो हम लिखेंगे बेन यहां पर बेन भी हो सकता था बोन भी हो सकता था वो डिपेंड करता है कि टॉपिक आपको एग्जाम में कैसे दिया गया है यहां पे हमने लिखा है हजार्स ऑफ मोबाइल फोन्स हजार मतलब क्या होता है नुकसान अब किसी चीज का नुकसान बता रहे हैं उसे वरदान तो बताएंगे नहीं हम ठीक है द हजार्स ऑफ मोबाइल फोन्स यानी जो उसके नुकसान उसके बारे में बोलना चाह रहे हैं मोबाइल फोन्स अ बेन फॉर अस जो मोबाइल फोन्स है वो क्या हमारे लिए
एक अभिशाप बन गया है। अगर यहाँ पर कोई अच्छी चीज होती, जैसे कि मैं बात करता, मैं अगर इसकी अच्छाई के बारे में लिखना चाहता, मान लो हम हमारा टॉपिक होता इंटरनेट, इंटरनेट के बारे में बताओ, तो मैं लिखता इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट प्रिविलेज फॉर मी टू डिलीवर अ स्पीच ऑन टॉपिक इंटरनेट। इंटरनेट अ बून फॉर अस, जो इंटरनेट हमारे लिए एक वरदान है, तो वरदान है तो मैं अच्छी अच्छी बातें बताता स्पीच के अंदर, जैसे कि इंटरनेट की वजह से हम क्या कर सकते हैं, पूरे देश विदेश के बारे में जान सकते हैं, आज हम दूर बैठे लोगों से भी हम कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, इंटरनेट से हम हर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी बातें इंटरनेट के जरिए, हमारी बड़ी बड़ी कंपनियां चल रही हैं, लोगों को रोजगार मिल रहा है, तो हम बहुत सारी बातें बता सकते हैं, तो हमने बून के तरीके से बताया। लेकिन यहाँ पर हमने मोबाइल फ़ोन को उसकी बुराइयाँ बताने वाले हैं स्पीच के अंदर, क्या क्या नुकसान होते जा रहे हैं हमें, तो हम लिखेंगे बेन, और अच्छा टॉपिक होगा तो बून लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें करना अपना नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट। सम ईयर्स अगो, यानी कुछ साल पहले, द मोबाइल फोन वॉज अ कंसिडर्ड, जो मोबाइल फोन था वो कंसिडर्ड किए जाते थे टू बी अ थिंग ऑफ लग्जरी, टू बी अ थिंग ऑफ लग्जरी, लग्जरी मतलब जो विलासिता की चीजें होती, ऐशो आराम की चीजें मानी जाती थी पहले फोन वगैरह, एंड कमोडिटी, कमोडिटी होता सामान या माल सामग्री, एक ऐसी चीज मानी जाती थी फॉर द रिच, कि वो जो अमीर आदमी सिर्फ वही यूज करते थे इनको, उनके लिए एक लग्जरी की चीज होती थी, हर इंसान के पास नहीं मिलते थे फोन वगैरह। वेरी फ्यू पीपल हैड मोबाइल फोन्स, बहुत ही कम लोग थे जिनके पास मोबाइल फोन्स होते थे। परहैप्स, शायद, परहैप्स का मतलब क्या होता है, शायद वन अमंग थाउजेंड्स, हजारों लोगों में किसी एक के पास क्या होता था, फोन होता था। कुड बी सीन, कुड बी सीन देखा जा सकता था, टॉकिंग ऑन मोबाइल फोन, यानी हजारों में से कोई एक ही ऐसा व्यक्ति मिलता था कि जो कि फोन के ऊपर बात कर रहा होता था। बट नाउ मोबाइल फोन्स हैव बिकम सो कॉमन, लेकिन आजकल जो मोबाइल फोन्स है बहुत कॉमन हो गए हैं, कॉमन मतलब हर इंसान के पास मोबाइल फोन मिलता है। दे कैन बी सीन इन द हैंड्स ऑफ द यंग, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके हाथों में भी हमें आसानी से मोबाइल फोन्स दिखाई दे जाते हैं। Even the school going boys and girls can be seen carrying, यहाँ तक कि, even का मतलब क्या होता है, यहाँ तक कि the school going boys and girls, जो school जाने वाले boys और लड़के और लड़कियाँ होते हैं, can be seen, देखे जा सकते हैं carrying, लिए हुए mobile phones in their hands, यानी school जाने वाले बच्चे जिनके पास mobile का कोई काम भी नहीं होता वो भी mobile phone लेकर घूम रहे होते हैं। Next paragraph, instead of being boon mobile phone, mobile phones have become a curse for us. इंस्टीड का मतलब क्या होता है, के बजाय, तो इंस्टीड ऑफ बीइंग बून यानी वरदान होने के बजाय मोबाइल फोन्स हैव बिकम अ कर्स, कर्स का मतलब क्या होता है, अभिशाप। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक वर्ड बताया था बून, बून का मतलब भी जो हमारे बून वर्ड है बी डबल ओ एन, ये भी अभिशाप ही होता है, और जो कर्स होता है वो भी अभिशाप होता है, आप कोई भी यूज कर सकते हो। मोबाइल फोन्स हैव बिकम अ कर्स फॉर अस, हमारे लिए एक अभिशाप बनता जा रहा है। Children just like the teens, जो कि हमारे teenagers जो बच्चे होते हैं, are addicted to mobile phones, वो क्या हो गए हैं, addict हो गए हैं, बिल्कुल उनको ध्यान नहीं रहता, 24 घंटे फ़ोन के बिना जी नहीं पाते हैं, तो फ़ोन के लिए क्या होते जा रहे हैं, इसके habitual होते जा रहे हैं, आदि होते जा रहे हैं, addicted होते जा रहे हैं। They play games, वो गेम खेलते रहते हैं, chat करते रहते हैं, and talk to their friends, और अपने दोस्तों से बातें करते हैं all day long, पूरा दिन on their mobile phones, अपने मोबाइल फोन्स के जरिए, यानी पूरे मोबाइल फोन पे पूरे दिन क्या करते रहते हैं, गेम खेलते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं, टॉक करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, राइट। आपने देखो आजकल जैसे पबजी, पबजी भी इतना चल रहा है, बच्चे पढ़ते कम हैं और पूरे दिन पबजी खेलते रहते हैं। एंड रुइन, रुइन का मतलब क्या होता है, बर्बाद कर देना, एंड रुइन देयर प्रीसियस टाइम, और जो उनका बहुत वैल्यूएबल, जो कीमती एक समय होता है उसे क्या कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, क्योंकि देखो स्कूल लाइफ ही होती है जिसमें बच्चे की क्या बनती है, लाइफ बनती है, लेकिन बच्चे आजकल के क्या करते हैं, फ़ोन में लगे रहते हैं, चैट करते रहते हैं, गाने वाने सुनते रहते हैं, तो इन सभी चीज़ों में अपना क्या कर रहे हैं, रुइन देयर प्रीसियस टाइम, अपना समय बर्बाद कर देते हैं। चिल्ड्रन कैन ऑल्सो एक्सेस पोर्नोग्राफिक साइट्स, जो बच्चे होते हैं वो गलत जो साइट्स होती हैं, जो अश्लील जो साइट्स होती हैं उन पे भी जा सकते हैं, फ्रॉम देयर मल्टीमीडिया डिवाइसेस, अपने जो मल्टीमीडिया डिवाइसेस, जो फ़ोन वगैरह, जो टैब वगैरह जो बच्चों ने ले रखे हैं, इनके जरिए। यूजिंग मोबाइल फोन्स फॉर लॉन्ग आवर्स कैन डिस्ट्रॉय आवर हेल्थ, एंड सेकेंडली, जो अगर हम लंबे समय तक अगर मोबाइल फोन्स का यूज़ करते हैं, कैन डिस्ट्रॉय आवर, डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट कर देना, खराब कर देना, कैन डिस्ट्रॉय आवर हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य को भी खराब करते जा रहे हैं। इट अफेक्ट्स
द आईज जो हमारी आंखें हैं वो खराब हो जाती हैं इससे एंड स्टूडेंट्स गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय मोबाइल फोन्स वाइल स्टडिंग पढ़ने के दौरान भी बच्चे क्या हो जाते हैं डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं आपने देखा होगा आजकल के छोटे छोटे बच्चों को भी चश्मे चढ़े हुए मिलते हैं वो चश्मे क्यों लग जाते हैं क्योंकि वो हर टाइम फोन में लगे रहते हैं बहुत सारे ऐसे केसेस भी आए कि मोबाइल फोन्स की वजह से बच्चों की आंखें रीढ़ की हड्डी भी खराब होने लगी क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल फोन में से घुसे रहते हैं राइट तो इट अफेक्ट्स आईज हमारी आंखों को भी खराब करता है एंड स्टूडेंट्स गेट डिस्ट्रैक्टेड और बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं होता मोबाइल फोन में बगल में रखा होता है पढ़ते पढ़ते बार बार मोबाइल की तरफ ध्यान जाता है पढ़ाई से उनका ध्यान हट जाता है बाय मोबाइल फोन्स वाइल स्टडिंग पढ़ने के दौरान एक्सेसिव यूज ऑफ मोबाइल फोन्स मेड स्लीपलेस नाइट्स ज़्यादा जो हम यूज़ करते हैं मोबाइल फ़ोन का उससे क्या होता है हम रात को सोते नहीं हैं तो हमारी एक लाइफ भी ख़राब होती जा रही है और आजकल अलग अलग प्रकार की डिजीज़ भी होती जा रही है जैसे बाइपोलर डिजीज़ है जो क्या हो रही है आजकल मोबाइल फ़ोन की वजह से भी होने लगी है ज़्यादातर इसमें बच्चा क्या है रात को सोता नहीं है फोन में लगा रहता है स्लीप कम मिलती है जिसकी वजह से क्या होता है नींद कम मिलने से बच्चे को अलग अलग प्रकार की जो डिसऑर्डर्स होते हैं बीमारियाँ होती हैं वो होनी स्टार्ट हो जाती हैं तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन मेड स्लीपलेस नाइट्स हम रात को सो नहीं पाते हैं और ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं राइट पेस ऑफ डिटेरियोरेशन डिटेरियोरेशन का मतलब क्या होता है कि चीज़ की अवनति होना बिगड़ना खराब होना ठीक है और पेस होता है चाल किस चीज़ की गति जो गति है डिटेरियोरेशन की यानी बिगड़ने की ऑफ हेल्थ यानी स्वास्थ्य की बिगड़ने की जो चाल है इज एट इट्स पीक वो बिल्कुल क्या शिखर पर है यानी हमारी जो हेल्थ है वो बहुत बुरी तरह बिगड़ती जा रही है इसको आप सिंपली भी कह सकते हो सिंपल आपको ये सेंटेंस अगर मुश्किल लगता है आप सिंपल कह सकते हो आर हेल्थ इज डिटेरियोरेटिंग डे बाई डे यानी हर रोज हमारी हर दिन क्या होता जा रहा है दिन प्रतिदिन हमारी जो हेल्थ है वो डिटेरियोरेट होती जा रही है यानी खराब होती जा रही है इन टूडेज एरा मैनी फेटल डिजीज आर कमिंग अप बहुत सारी खतरनाक फेटल का मतलब क्या होता है खतरनाक इरा मतलब होता है युग जो आज का जो इरा है उसके अंदर बहुत सारी फेटल घातक जो बीमारियां हैं वो क्या कर रही हैं आ रही हैं कमिंग अप लाइक स्लीप डिसऑर्डर्स यानी सोने की समस्याएं इनसोमनिया जिसे हम बोलते हैं यानी आजकल नींद नहीं आ पाती निंद्रा दोष जिसे हम कहते हैं वो होता जा रहा है बाइपोला एक ये भी बहुत खतरनाक बीमारी है स्ट्रेस एंग्जाइटी होता है जो हम चिंता जो हम टेंशन में चले जाते हैं उसको हम एंग्जाइटी कहते हैं हम किसी चीज़ के प्रति ज़्यादा ही चिंता करने लग जाए तो तनाव चिंता फटीग होता है आलसपन फटीग ईटीसी ऐसी बहुत सारी जो बीमारियां आजकल उभर कर सामने आ रही हैं बिकॉज ऑफ फोन्स अपार्ट फ्रॉम दिस यानी इसके अलावा अटेंशन इश्यूज आर ऑल्सो कैन बी सीन लोगों का जो ध्यान केंद्रण की जो क्षमता होती थी वो भी क्या होती जा रही है खत्म होती जा रही है बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स Even our relations are also getting destroyed. यहाँ तक कि जो हमारे आपसी रिश्ते होते थे वो भी होते क्या होते जा रहे हैं डिस्ट्रॉय होते जा रहे हैं आर ऑल्सो गेटिंग डिस्ट्रॉयड इंस्टीड ऑफ इंक्रीजिंग क्लोजनेस आपस में एक अपनापन बढ़ने की बजाय हमारी नज़दीकियाँ बढ़ने की बजाय इट इज़ सेपरेटिंग अस जो मोबाइल फोन क्या कर रहा है हमें सेपरेट कर रहा है सेपरेट होता है अलग करना हमें अलग करता जा रहे हैं बिकॉज Everyone in the family can be seen busy with their mobile phones. क्योंकि आज के टाइम में आपने देखा होगा हर एक इंसान अपने मोबाइल फोन में लगा रहता है मोबाइल फोन्स एंड पीपल डोंट हैव टाइम टू स्पेंड विद देयर फैमिली मेम्बर्स और लोगों के पास आज अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए भी समय नहीं है क्योंकि वो हर समय क्या लगे रहते हैं फोन में ही लगे रहते हैं बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स इवन हैविंग ब्लड रिलेशन होने के बावजूद भी वी लिव टूगेदर लाइक स्ट्रेंजर्स हम घर में ही कैसे रहते हैं अजनबियों की तरह रहते हैं इट मीन्स वी कैन से स्वीटनेस ऑफ आर रिलेशंस हैज़ बीन डिस्ट्रॉयड ओनली बिकॉज ऑफ मोबाइल फोन्स तो हम मोबाइल फोन को ज़्यादा समय देने लगे हैं ना कि अपने रिलेशंस को तो ये सारे हमारे क्या है साइड इफेक्ट्स जो हमारे एक बुरे प्रभाव हमारे ऊपर जो हजार्स हैं वो मोबाइल फोन्स के पड़ते जा रहे हैं सो आगे देखिए Often we see people, हम अक्सर लोगों को देखते हैं Often we see people using mobile phones use करते हुए while driving, यानी driving के दौरान भी लोग क्या करते रहते हैं mobile phones use करते हैं which leads to accident, और जिसकी वजह से क्या हो जाता है accident हो जाता है We have law which prevent का मतलब क्या होता है रोकना यानी हमारे पास law है law मतलब कानून है Which prevents, जो कि क्या करता है रोकता है the use, इस्तेमाल को रोकता है of mobile phones while driving. यानी driving के दौरान mobile phones का use भी रोकने के लिए law है हमारे पास but
द लॉ इज मोर ओफन, यानी अक्सर, लेकिन जो लॉ है हमारा कानून है उसके साथ क्या किया जाता है, डिसओबेड, यानी उसका पालन करने के बजाय क्या किया जाता है, उसका डिसओबेड किया जाता है, यानी डिसओबेड किया जाता है, देन ओबेड, ओबेड किया जाना चाहिए लेकिन क्या किया जाता है, डिसओबे किया जाता है। अब जो हमारा लास्ट का पैराग्राफ होगा उसके अंदर हमें क्या करना है, हमें कुछ सजेशंस, कुछ एडवाइस देनी है, यानी कुछ सलाह देनी है कि भाई कैसे हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सकते हैं, राइट। तो ऐसे ही मोस्टली हमें स्पीचेज में करना है। वी ऑल मस्ट बी अवेयर ऑफ इट, हम सभी को इससे क्या होना चाहिए, अवेयर होना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, अवेयर मतलब जागरूक, दैट मोबाइल फोन्स आर जस्ट अ थिंग टू मेक आवर लाइफ कन्वीनियंट, यानी मोबाइल फोन्स जो हैं वो सिर्फ एक चीज है, क्या है, एक ऐसा साधन है जो मेरी लाइफ को सहूलियत देता है, कन्वीनियंस देता है, तो कन्वीनियंट करने के लिए एक चीज है, बट मोबाइल फोन्स कैन नॉट बी आवर लाइफ, लेकिन मोबाइल फोन से हमारी जिंदगी नहीं हो सकते, वो हमारी लाइफ नहीं बन सकते, हमारी लाइफ को सिर्फ कन्वीनियंट करने का एक साधन है। वी मस्ट डिक्रीज इट्स यूज, हमें जरूर इसका जो यूज है, इस्तेमाल है, उसको डिक्रीज करना चाहिए, डिक्रीज मतलब कम करना चाहिए, एंड दोज हु ब्रेक द लॉ, और जो कानून को तोड़ते हैं, शुड बी गिवन अ डिटेरेंट पनिशमेंट, उनको क्या होना चाहिए, एक डिटेरेंट पनिशमेंट दी जानी चाहिए। डिटेरेंट जो पनिशमेंट होती है वो कौन सी होती है, यानी ऐसी पनिशमेंट जिससे हम उस चीज़ को रोक सके, रोकथाम करने वाले एक सूटेबल जो पनिशमेंट हो, एक ऐसे सजा जो कि सूटेबल हो, जिससे जो बाकी लोग हैं वो भी देखकर उस जुर्म को करने के लिए रुकें, तो ऐसे उनको पनिशमेंट दी जानी चाहिए, सो दैट इट कैन सर्व एज लेसन, यानी लोग, बाकी जो लोग हैं उनको भी एक लेसन की तरह क्या करें, उनके पास जाए, यानी उनको एक सीख मिले इससे, फॉर अदर्स, यानी बाकी लोगों के लिए। एज अ पेरेंट, एक जो माँ बाप होने के नाते, यानी पेरेंट होने के नाते, यू मस्ट टेक अ प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी आपको भी अच्छे मापदंड, ऐसे प्रिवेंटिव यानी रोकथाम करने वाले से तरीके अपनाने चाहिए, टू मिनिमाइज, मिनिमाइज क्या होता है, कम करना, योर चाइल्ड्स एक्सपोजर टू द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ मोबाइल फोन्स, कि जो बच्चों के हार्मफुल इफेक्ट्स जो हो रहे हैं बच्चों के ऊपर, उनकी हेल्थ पे बुरे प्रभाव पड़ रहे हैं, उनकी लाइफ खराब होती जा रही है मोबाइल फोन्स की वजह से, तो आपको भी एक माँ बाप होने के नाते आपको भी कुछ ना कुछ कदम उठाने चाहिए, उनको मोबाइल फोन्स नहीं देने चाहिए। सो लास्ट में आप बोल सकते हो थैंक यू, तो लास्ट में आप यहाँ पर लिखना चाहो तो आप यहाँ पर थैंक यू भी लिख सकते हो अपनी स्पीच के बाद, ठीक है, तो बोलो थैंक यू, दैट्स इट। तो ये थी हमारी स्पीच, और अगर आप ऐसे लिख के आते हो तो आपको गारंटेड 10 आउट ऑफ 10 मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, राइट। आपको ऐसे पैराग्राफ्स में डिवाइड कर देना है, स्टार्टिंग में कुछ लाइंस बोलनी है कि आप हो कौन और आप इस टॉपिक पे स्पीच देने जा रहे हो, स्टार्टिंग से फिर बता देता हूँ थोड़ा बहुत मेन, जैसे कि आप सबसे पहले क्या बोलोगे, रेवरेंट प्रिंसिपल, टीचर्स एंड ऑल माई डियर फ्रेंड्स, उसके बाद आपको क्या करना है, गुड मॉर्निंग करना है, राइट। और फर्स्ट जो पैराग्राफ होगा उसके अंदर आप बताओगे कि आई एम दीपक धर्रा ऑफ क्लास 12A, and it's a matter of great privilege for me to deliver a speech on topic, topic बता दोगे, right? तो ऐसे करके आपको starting करनी है इसकी, और इसके लिए आपको जो word limits लिखनी है 150 to 200 तक रखनी है, ज़्यादा बड़ा या इससे कम मत लिखना। कुछ लोग सोचते हैं ज़्यादा बड़ा लिखेंगे तो ज़्यादा नंबर आएंगे, नहीं, इससे क्या होता है, जो हमारा पेपर चेक करने वाले जो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, ज़्यादा नंबर गुस्सा होकर नंबर काट भी लेते हैं, तो आपको वर्ड लिमिट्स में ही लिखना है, ठीक है। और वीडियो आई थिंक आपको अच्छी लगी है, और अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना ना भूलें।